नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हम मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर आज तक लगातार कोविड-19 से युद्ध लड़ रहे हैं और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। लेकिन आपको और हमको सबको सुरक्षा जरूर रखनी होगी, क्योंकि हमारी थोड़ी सी लापरवाही पूरे परिवार को, यहां तक कि हमारे पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, या फिर हम जिसके भी संपर्क में आते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, उनको भी ये खतरा हो सकता है। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि खुद अभी कोविड-19 से पूरे परिवार के साथ युद्ध कर जीत कर आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनीता गौतम जी, जो कि मनोचिकित्सक भी हैं और एक समाज सेविका भी हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप गौड़ साहब, जो कि पत्रकार भी हैं और समाज सेवी भी हैं। आप भी पूरे परिवार के साथ अभी भी कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं और जल्द ही पूरे परिवार सहित स्वस्थ होकर एक बार फिर हमारे साथ में रहेंगे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। आप लगातार करीब 15 से 20 दिनों तक पूरे परिवार के साथ कोरोना से युद्ध लड़ते रहे हैं और जीत कर आए हैं, तो आप बताइए कि किस तरह आपने ये दिन गुजारे? देखिए दीपक जी, ये तो ऐसा रोग है जो कि नहीं आने के बाद भी किसी भी तरह प्रवेश कर जाता है जी। लापरवाही भी हो सकती है, उसमें दोहरा ही नहीं है कि मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य इस रोग वाले व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद अगर वो आ जाता है और फिर समय रहते हुए अगर आपको जानकारी मिल जाती है तो इस रोग से लड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आपका बना रहे, आप दूसरे रोगों से पीड़ित नहीं हो, तो निश्चित रूप से इस रोग को जीतना कोई बड़ा खेल नहीं है, क्योंकि आपको नियमित रूप से दवाई भी लेनी पड़ती है और परिवार के साथ अगर होम क्वारंटाइन है तो निश्चित रूप से आपसी विश्वास के साथ आप इस रोग को जीतने में आसानी भी समझ महसूस करते हैं। यदि परिवार का कोई सदस्य अकेला इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो भी अगर घर में रहता है तो उसको जितवाने में पूरे परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप देखिएगा कि मैं तो शुरुआत में तो बेटे के बुखार आ रहा था तो ऐसा पता नहीं था कि उसको कोरोना होगा। हमने जांच कराई तो उसमें मिसेज ने जांच करा ली तो मिसेज पॉजिटिव आई, बेटा नेगेटिव आ गया। तो हमको लगा कि यदि मिसेज पॉजिटिव आ गई है तो, क्योंकि परिवार में खाना वाना बनाने का काम वही करती है, सारी चीजें हम सहयोग भी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबकी जांच कराई जानी थी, हमने सबकी जांच कराई तो हम चारों के चारों पॉजिटिव आ गए। अब क्योंकि चारों पॉजिटिव आने के बाद एक हिम्मत तो बनी कि कोई बात नहीं, हम चार तो हैं एक साथ, क्योंकि एक परिवार में जब एक व्यक्ति होता है तो निश्चित रूप से उसको पीड़ा झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसको अछूत के रूप में हमको अपनाना पड़ता है क्योंकि बीमारी ऐसी है। लेकिन अब बहुत स्थितियां सुधर गई है, आपको जो भी कोविड से पीड़ित है उसको हिम्मत बनानी चाहिए, आप बाकायदा डबल मास्क लगाइएगा और आप सैनिटाइज ढंग से कीजिएगा और आप पीड़ित के पास जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि पीड़ित आपको बहुत दे जाएगा, लेकिन आप अपनी प्रिकॉशन को रखोगे जी। और उसको हिम्मत बनाओगे, आप निश्चित रूप से मोबाइल का उपयोग भी कर सकते हो, पारदर्शी तरीके से उसके पास रह सकते हो, उसको खाने पीने का सामान तरीके से देना चाहिए, उसको ये नहीं कि सुबह का नाश्ता भी टाइम पे मिले, खाना टाइम पे मिले, फिर दिन में कुछ और मिले, रात को सोते से पहले दलिया खिचड़ी खाए और निश्चित रूप से दवाई लेता रहे तो 7 या 8 दिन में वो नेगेटिव आने की स्थिति में बन जाता है। निश्चित तौर से श्याम जी, ये माने कि अगर मान लीजिए किसी कारण से आप पॉजिटिव हो भी गए हैं तो आपको नियमबद्ध तरीके से उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए, खाने पीने की चीजें लेनी चाहिए, नियम के तरीके से आपको पूरी तरह से क्वारंटाइन होना चाहिए। प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा लगातार, क्योंकि आप भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, तो आपको कब पता चला किस तरह की जो बीमारी है वो अपने परिवार में आ गई और आप किस तरह से इसके साथ लड़ रहे हैं और सरकार की तरफ से आपको क्या मदद दी गई है, नहीं दी गई है, सारी स्थिति आप स्पष्ट कीजिए। जी दीपक, मैं करीब 5 तारीख को, 5 सितंबर को मैं इस कोरोना के चपेट में आया था
और मुझे साधारण रूप से ठंड लगी थी सर जी। और जब मैं अपने कार्यालय से घर पहुंचा तो मैं मतलब फीवर ले रहा था तो 104.7 था, तो मैंने तुरंत अपने आप को अपने परिवार से अलग कर लिया। और मैंने अपने SMS के एक डॉक्टर ने उनसे अपना शेयर किया कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, मैंने अपने को परिवार से अलग कर दिया। 5 तारीख को उन्होंने मुझे सामान्य मलेरिया की दवा दी, मैंने वो ली। उन्होंने कहा कि चलो हम टेस्ट करा के आते हैं, और 6 तारीख को हम लोग टेस्ट कराने गए और शाम तक रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव थी। ब्रदर की भी पॉजिटिव थी, मेरी भी पॉजिटिव। फिर हमने बैठ के ये फैसला किया कि हमारी वजह से पूरा परिवार, चूंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, बुजुर्ग पिताजी 80-81 साल के, बाकी फैमिली के 9-10 मेंबर हैं, तो हमने ये तय किया कि हम सब पूरे परिवार का कराएंगे ताकि हम बाहर जाकर किसी को ना दें और हमारी मूवमेंट्स हम उस तरह से अपना शेयर करें, रिस्ट्रिक्ट करें। तो हमने सबने जांच कराया तो 3 मेंबर उसमें पॉजिटिव निकले, बाकी मेंबर निगेटिव थे। तो हमने अपना पूरा कट ऑफ कर लिया, और मेरे जो घर में 3 फ्लोर का है तो सबसे टॉप फ्लोर है वो हमने पूरा कोविड सेंटर में बदल दिया, और हम सब लोग वहां अपना रहे और अपनी दिनचर्या में हमने पूरा परिवर्तन किया जी। हमने अपना डाइट चार्ट बनाया। लेकिन आप बात कर रहे हैं सरकार की तरफ से मदद की, तो मैं ये कहना चाहूंगा उनकी तरफ से क्या कोई प्रिकॉशन दिया गया, क्या उनको सूचना मिलने के बाद आपको कोई जानकारी दी गई कि किस तरह आपको रहना है, क्या करना है? क्योंकि पहले एक समय था जब अगर एक भी व्यक्ति को पॉजिटिव होता था तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता था, बकायदा एम्बुलेंस आती थी और पूरा 1 किलोमीटर का एरिया जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिया जाता था कि भाई यहाँ पे कोविड पेशेंट है। लेकिन अब जो है वो स्थितियां चेंज हो गई, क्या आपको सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी की, होने के बाद कोई सपोर्ट किया, कोई मदद की उम्मीद आपको लगी? जी दीपक जी, कुछ भी मदद मुझे नहीं की। यहाँ तक कि सिर्फ जिससे मेरा परिणाम आया इस चीज का कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, उसके बाद एक कॉल आया और उसके बाद वो घर के बाहर एक पोस्टर लगाने आए कि आप COVID-19 है और आपको 7 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक आपको क्वारंटाइन किया जाता है। उसके अलावा उस पूरे पीरियड में मेरे पास एक बार भी कहीं सरकार का कोई कॉल नहीं है, सरकार की तरफ से कोई इस तरह की मुझे मदद नहीं मिली। और 6 या 7 दिन बाद CMHO से मेरे ब्रदर के पास फोन आया कि हमें आपकी जांच के लिए कहा गया है जी। 6-7 दिन बाद तो वो जांच करने आए तो ब्रदर ने सबके लिए कहा कि आप सबकी कर लीजिए अगर आए हैं तो, क्योंकि 5 मेंबर हैं, उन्होंने 5ों की जांच की, उसका परिणाम भी पॉजिटिव आया और मेरे बच्चे का परिणाम निगेटिव आया जी। उसके बाद में जब हमने अपने निजी चिकित्सक से बात की, जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको पूरा टाइम ही रहना है। तो जहां तक बात है जो अभी लैग कर रहे हैं, देखिए सरकार जो काम कर रही है उसमें बड़े अंतर हैं। बिल्कुल, हम यही जानना चाह रहे थे प्रदीप जी कि सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है उसमें क्या वाकई सच्चाई है, क्या वो आम जनता को वो फायदे वो लाभ दे पा रही है जो उनको देना चाहिए। मैं आपके पास वापस आऊंगा प्रदीप जी, श्याम जी पर को से भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं हमारे साथ डॉक्टर अनीता गौतम जी मौजूद हैं जो सारे स्थितियों को परिस्थितियों को जानती हैं, समझती हैं। अनीता जी, आपने श्याम जी को भी सुना, आपने प्रदीप जी को भी सुना, आप अपने एक्सपर्ट व्यूज में क्या कहना चाहें? देखिए, जैसा अभी मैंने दोनों वक्ताओं के बारे में की बात सुनी है और सुना है कि किस तरीके से उन्होंने अभी इस कोविड से बाहर आए हैं और अभी जूझ रहे हैं, और क्या उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हैं, किस तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल करा ताकि बाहर ये बीमारी ना फैले, बिल्कुल काबिले तारीफ है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी वो इस बीमारी से बाहर आए। सबसे पहली बात है कि कोविड के अंदर ये इन्फेक्शन बहुत है डिजीज, आप नहीं जा रहे, आप किसी कोविड पेशेंट से नहीं भी मिल रहे हैं तो भी ये बीमारी आपको हो सकती है। दूसरा, अगर आपके सिम्टम्स नहीं है तब भी आप करियर बन सकते हैं और ये बीमारी आपके थ्रू दूसरों को फैल सकती है, तो इस बात की जानकारी प्रिकॉशन तो हमको लेने ही पड़ेंगे। दूसरा है कि अगर मरीज जैसा कि अभी बताया कि हॉस्पिटल में भर्ती होता है, अकेला रहता है, तो उसकी मानसिकता पे अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अकेला है, आसपास उसका कोई केयर टेकर नहीं है, जो भी है वो सिर्फ हॉस्पिटल वाले हैं और उन्हीं के थ्रू वो अपनी सारी दिनचर्या जो भी चीज है वो शेयर करता है। तो इस कंडीशंस के अंदर अगर जो फोन है हमारा एक बहुत बड़ा सहारा है, आप अपने घर वालों को
बिल्कुल इसके फोन के थ्रू जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है आजकल, उससे आप कांटेक्ट में रहें, ताकि ये एक इमोशनल सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। हम कोविड से अपनी इच्छा शक्ति जो होती है ना, अगर हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहती है तो हम इसको बहुत आसानी से हरा सकते हैं। तो ये जो इमोशनल सपोर्ट हमें घर से मिलता है और हमारे परिवार जन से, फ्रेंड से मिलता है, वो हमें इस लड़ाई से लड़ने के लिए मदद करता है। घर पे है, अकेले हैं, घर पे है, सबके साथ है, तो ऑब्वियसली बात है इमोशनल सपोर्ट ज्यादा रहता है। रही बात सरकार की, कई खामियां हमें हर जगह हर लेवल पे दिखाई देती है, चाहे तो पर्सनल लेवल पे है, चाहे तो वो समाज के लेवल पे, चाहे तो हमें सरकार के लेवल पे, हमें हर जगह इस चीज को रोकना पड़ेगा, तभी हम इस कोविड से बाहर आ पाएंगे। जैसे अगर हम पर्सनल लेवल की बात करें तो लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी जो हमें सैनिटाइजेशन या फिर मास्क, इसका उपयोग करें। लोगों को लगता है कि अभी भी मानसिकता कई लोगों हमारे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल, जो हम सब देखते कुछ है। जी, मास्क को अपनी छुट्टी में लगा के घूमते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि अगर वो मास्क नहीं लगाया है तो गमछा लगा के रखते हैं, जो कि गले पे रहता है, मुंह पे नहीं रहता, नाक पे नहीं रहता। नाक और मुंह आपके पूरी तरीके से ढके रहने चाहिए, ये आपके लिए भी जरूरी है और आपके थ्रू दूसरों को ना फैले उसके लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, हाथों को बार बार धोए, सैनिटाइज करें, ये एक बहुत 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 मामूली सी चीज है, बहुत जरूरी चीज है जो सबको। और ये लगातार, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे समाज सेवी संगठन हो, चाहे आम जनता हो, चाहे डॉक्टर्स हो, वो सभी लगातार इस बात को बताते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जब खुद इसका पालन नहीं कर पाते तो मुश्किलें जरूर आती हैं। अनीता जी, मेरा एक सवाल आपसे जो है वो मेन सवाल ये है कि सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे करती है आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, जो करोड़ों रुपए जो पानी की तरह बह रही है कोविड-19 के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार की जो मॉनिटरिंग है वो पूरी तरीके से सही नहीं है? जिस तरह से अभी प्रदीप जी ने बताया कि उनको किसी भी सिर्फ टेलीफोनिक एक फोन आया था और उनको एक पोस्टर चस्पा कर दिया गया, क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि इनके पूरे परिवार का ख्याल रखा जाए, उन्हें पूरी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए, मेडिसिन दी जाए? तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकारी तंत्र की मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं कमी है? देखिए, गवर्नमेंट की, मैं जैसा अभी कहा था कि गवर्नमेंट के जो नियम है उनमें कहीं ना कहीं तो खामियां है, मॉनिटरिंग में दिक्कत है, मॉनिटरिंग इतनी अच्छे से हो नहीं पा रही है। जितने केसेस पॉजिटिव आ रहे, हो सकता है कई लोगों की जांच भी नहीं हो पा रही है, जो बिना जांच के घूम रहे हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है। मॉनिटरिंग पे खास तौर से सरकार को ध्यान देना चाहिए, और एक बार जब सामने आ जाता है कि कोई कोविड पेशेंट है तो स्पेशली उसके बारे में, उसकी मॉनिटरिंग पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये चीज तो सरकार को आपको करनी ही पड़ेगी, ताकि हम इसको और कंट्रोल कर सके, इसके ऊपर और कंट्रोल करके हम इसको रोक सके, एटलीस्ट और ज्यादा फैलने से रोक सके। जी प्रदीप जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं श्याम जी आपके पास आऊंगा, सरकार के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। पहले प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहें? जी दीपक जी, मैं एक सरकार के बारे में बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि इस पूरे पीरियड में मैंने जो नोटिस किया, जैसा मैंने कहा कि मेरे घर के बाहर उन्होंने पोस्टर चस्पा किया, मेरे बिल्कुल मकान के सामने, मकान में, वो भी 3 फ्लोर का मकान है, उसमें भी एक जो ओनर है उनका बच्चा आया। जी, आप देखिए कि उन्होंने निजी लैब से जांच कराई, पॉजिटिव आने के बाद में जो मैंने भी निजी से कराई थी, मेरे यहाँ पोस्टर लगा, उनके यहाँ पोस्टर नहीं लगा। अब आप अवेयरनेस देखिए, उसी कॉलोनी में जिस जहां मैं रहता हूँ, वहां 3 या 4 मकान में आ गया, और उन 3-4 मकान में कहीं भी सरकार की तरफ से कोई जो ये सूचना या पोस्टर ये नहीं लगाया गया। पोस्टर लगाने के पीछे आप जानते हैं वो एक ही कारण है कि ताकि आसपास के लोग अवेयर हो जाएं, और उसके पास है जो वो खुद पॉजिटिव है, उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो भी फ्रिक्वेंटली नहीं आ जाए। अब उनके परिवार के सदस्य बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो उनमें सब मिक्स होकर रह रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो आप नेगलिजेंसी समझ लीजिए कि सरकार की कितनी है कि आप किसी के यहाँ लगा रहे हो, किसी को बाउंड कर रहे हो, किसी को बाउंड नहीं कर रहे हो। देखिए, मेरे ख्याल से इसमें एक बहुत बड़ा कारण जो टैबू हो गया है समाज के अंदर, कि जैसे किसी के घर के बाहर पोस्टर लग जाता है तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि अरे हमारे घर के बाहर ये पोस्टर लग गया, तो हो सकता है कई लोग, मैंने कई बार ये देखा भी है, खबरें भी आई है कि लोग अपने घरों के बाहर से पोस्टर हटा देते हैं, फाड़ देते हैं। मैं इसके माध्यम से कहना चाहती हूँ, ये टैबू नहीं है, ये सिर्फ एक सुरक्षा का साधन है, जिससे आप भी बचे और आपके जो आसपास वाले हैं उस चीज को भी इसके बारे में पता लगे। ये सिर्फ एक बीमारी है जिससे हम प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर लेकर जीत सकते हैं।
टैबो नहीं है, इसके इसको स्टिग्मा नहीं बनाना है, हमको इससे जीतना है। बिल्कुल कोई हाँ, नहीं करें, इससे हमको लड़ना है, ये नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि सपोज अगर घर के परिवार में से किसी को या फिर इतने सारे लोगों को आया है, सरकार की तरफ से पोस्टर ना भी बने तो वो लोग प्लीज अपनी मोमेंट रिस्ट्रिक्ट करें। घर के बाहर ही अगर मान लो सब्जी या फल वाला आया तो घर के बाहर ही उसको आप ड्रॉप करवा दें, ताकि कोई और आपके कांटेक्ट में ना आए। थोड़ी सी समझदारी हर एक लेवल पे होगी। इसका सबसे बड़ा उपचार जो है वो बचाव, अपने आप में उपचार है। श्याम जी मैं हाँ बिल्कुल श्याम जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आप चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, आप लगातार सभी के संपर्क में रहते हैं और लगातार आप ये देख भी रहे हैं कि सरकार खुद ही अपनी पीठ किस तरह से थपथपा रही है। चाहे हम भीलवाड़ा प्रोजेक्ट को लेकर पूरे देश में जो वाहवाही हुई थी, वो प्रोजेक्ट आज कहाँ है। लगातार हजारों लोग प्रतिदिन कोविड 19 के शिकार हो रहे हैं, जैसा कि प्रदीप जी ने बताया, और बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो इसको अपने व्यवसायिक रूप में डेवलप कर रही हैं, और जो सरकार ने 2400 रुपए की जो कॉस्टिंग की थी उसको 1200 रुपए भी कर दिया, उसके बाद भी आज सुबह ही मेरे पास कई लोगों के मैसेजेज आए हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे स्लिप भी भेजी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, कि जहां पर आज भी उनसे 2200 रुपए लिए जा रहे हैं सरकार के आदेश के बाद भी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह की मॉनिटरिंग रखनी चाहिए, किस तरह की सख्ती अपनानी चाहिए, जिससे कि आम लोगों को इसका फायदा मिले। श्याम जी देखिए, दीपक जी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं गरीब को मिलनी चाहिए वो निश्चित रूप से नहीं मिल रही, ये 100% मैं कह सकता हूँ। मैं जिस दिन 24 तारीख को मेरी पत्नी जब पॉजिटिव आई तो मैंने तो निश्चित रूप से सीएमआर पे कॉल किया और मुझे सीएमआर से मदद मिली, लेकिन मुझे आज कहते हुए ये भी दुख है कि सीएमआर की सिफारिश के बावजूद भी मुझे आरएचएसएस में भर्ती करने के लिए 1 घंटे बिठाया गया और मैं भर्ती नहीं हो सका, मैं लौट के आ गया। अव्यवस्थाओं की व्यवस्था है। आप देखिए कि मैंने तो जब आपके सीएम डायरेक्ट सीएम से आपके संपर्क है, आपने वहां सूचना दे दी, जब आपकी केयर नहीं हो पा रही तो मान लीजिए एक आम व्यक्ति की किस तरह से ठीक ठाक हो सकता है वो। देखिए उसके बाद भी मैंने जब सुधीर भंडारी मेरे व्यक्तिगत मित्र है, आपने देखा होगा वो प्रिंसिपल भी है, मैंने उनसे कहा तो मुझे ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट लैब को नाम बता दिया गया जो उनका असिस्टेंट था। 16,000 रुपए की मेरी जांच करवा दी गई पूरे परिवार की, दूसरी तरह की जांच। कोविड की जांच तो सरकारी स्तर पे हुई और वो घर पे हुई जो जिस स्तर से मुझे कहा गया, और मेरे को निश्चित रूप से ये तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के यहाँ से सुबह शाम फोन आता था, कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन मैंने जब उनको कहा कि मेरा आज कचरा है उसका निष्पादन कैसे हो, समस्या का, क्योंकि पूरा परिवार पीड़ित है, जा नहीं सकता बाहर, कचरा अगर ले जाएगा तो वो अगर पीड़ित हो जाएगा, तो मैंने उनको कहा कि इसका क्या डिस्पोजल होगा, इसके अलावा मुझे दूध चाहिए, दूध कैसे आएगा। चलो तो हमारे वाला दूध वाले ने तो कहा कि किसी तरह से मैनेज हो गया और बाहर लटका गए, और क्योंकि ऑनलाइन सामान मंगाने की स्थिति है इसलिए हम बहुत सारी चीजें मंगा पा रहे थे, दवाई भी मंगा पा रहे थे सब कुछ। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि बार बार कह रहा हूँ कि मैंने आपके चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जो हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं उनके यहाँ फोन किया, योगेश शर्मा थे उन्होंने मुझे। अखिल अरोड़ा है उनसे भी व्यक्तिगत दोस्ती है, उनसे भी कहा तो उन्होंने किसी को कहा, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर अगर नहीं मुझे मेरे जैसे सक्षम व्यक्ति को व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही थी तो मैं मान के चलता हूँ उस गरीब का क्या होगा, जिस गरीब के अगर पूरा परिवार आ जाता है तो सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसको दवाइयां पहुंचाए, उसको ऑक्सीमीटर दे या बाकी जो साधन है वो दे निःशुल्क रूप से। जब दिल्ली सरकार दे सकती तो आप क्यों नहीं दे सकते हो। पंजाब सरकार ने 250 रुपए की जांच कर दी है, तो क्या राजस्थान सरकार 500 रुपए की जांच कर दे, निःशुल्क जांच की जाए, 500 रुपए की जांच कर दे, भरपाई सरकार करे। ये जांच जब तक नहीं होगी, जब तक पता ही नहीं पड़ेगा कि आप कोविड के शिकार हो गए और कोविड शिकार हो जाने के बाद कितने को कोविड दे पाओगे, ये अनलिमिटेड हो जाता है। इसलिए सरकार को निश्चित रूप से चाहिए कि जांच सरकारी डिस्पेंसरी में हो रही है इसकी प्रचार प्रसार रोजाना की जाना चाहिए, अखबारों के माध्यम से भी होना चाहिए, टेलीविजन के माध्यम से होना चाहिए, जो भी साधन हो, और वो अगर जिस डिस्पेंसरी में हो रही है तो उसके आसपास के इलाके में रेडियो माइक से कहें कि यहाँ जांच हो रही है, जांच कराएं, जितनी ज्यादा जांच होगी उतनी ज्यादा कोविड से निजात मिलने में आसानी होगी और दवाइयों की
उपलब्धता है, आप पहुंचा सकते हो, क्योंकि सरकार के पास साधन सारे हैं, लेकिन एक गरीब को कैसे पहुंचाओगे, ये योजना बननी चाहिए। आपको निश्चित रूप से ये भी निगरानी रखने की जरूरत भी है, केवल आदेश कर देने से कागजी खाना पूर्ति से इस रोग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। सक्षम लोग भी इसमें जब निशाय हो जाते हैं, देखिएगा जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल्स की जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है, जबकि सरकार का दायित्व बनता है कि जो परिवार पूरा कोविड के अंदर चपेट में आ गया तो उसका तो बिल्कुल अस्थिरता का माहौल हो जाता है, घर में क्या इस तरह का वातावरण उड़ता होगा, और कोई बुजुर्ग है 80 साल का, 50 साल से ज्यादा या 60 साल से ज्यादा का, उसका तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मुझे साइट निमोनिया थोड़ा सा हुआ तो मुझे कहा भर्ती हो जाइए, मैं जाके भी आया, भर्ती कराई नहीं किसी ने, तो मेरे पास रसीद आज भी पड़ी हुई है। तो मैं कह रहा हूँ जब इतने सक्षम होने के बाद भी मुख्यमंत्री के यहाँ से अगर खुद सुधीर भंडारी फोन कर रहे हो तो कह रहे बेड ही नहीं उपलब्ध, तो बताइए कि जयपुर शहर में कहते हैं 1000 बेड है, 1000 बेड नहीं है, 200 कुछ बेड है आरयूएचएस में, मंत्रियों के लिए है वहां पे स्पेशल वार्ड, एमएलए के लिए स्पेशल वार्ड है, आईएएस के अधिकारियों के लिए स्पेशल वार्ड है, लेकिन आम व्यक्तियों के लिए जनरल वार्ड भी ढंग से उपलब्ध नहीं है। तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि इसकी संख्या बढ़ाए। आखिर आप किस तरह से इलाज देना चाहते हैं, किस तरह से व्यवस्था कर, मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति है कि आम व्यक्ति तक जाए, जा ही नहीं पा रहा, आप केवल मीटिंगों से ये तो इसमें भी श्याम जी कहीं ना कहीं तो उनकी ही खामी नजर आती है ना, उनकी मैनेजमेंट की खामी नजर आती है, उनकी जो इर्द गिर्द जो पूरी टीम है, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की टीम है, चाहे मेडिकल की टीम है, चाहे चिकित्सा मंत्री खुद हो, उनकी टीम हो, तो कहीं ना कहीं उनकी ये गलती नजर आती है कि उनकी मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं। देखिएगा जब संख्या बहुत लिमिटेड आ रही थी तो इस तरह से व्यवस्था हो रही थी, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन आज संख्या जयपुर जैसे शहर में अगर 400 लगभग आ रहे हैं तो हम व्यवस्था किस प्रकार से कर पा रहे हैं? व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ अगर ये संख्या तेजी से, आप देखिए जो प्रभारी सचिव थे कहाँ दिखते हैं, दिखते नहीं। कलेक्टर्स की स्थिति क्या है, एसडीओ की स्थिति क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, जाने का देखना ही नहीं चाहता कोई उस कोविड सेंटर में जाकर के देख, अगर 3-3 घंटे तक अगर कोई मरीज आकर के आपके फर्श पे लेटा हुआ है और ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लेके आया बेचारा और उसको भर्ती नहीं किया जा रहा, तो इससे विडंबना और क्या हो सकती। मैं तो क्योंकि प्रेसिडेंसी गवाह था, मैं खुद देख करके आया और मेरे बच्चों ने कहा नहीं यहाँ क्या करोगे, चलिएगा। तो ऑक्सीजन लेवल नापने का कोई साधन दे गरीब को, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दवाइयां दे, सब कुछ है, लेकिन जिम्मेदारियों की जो निर्वाह करने की स्थिति बननी चाहिए वो निश्चित रूप से नहीं है। जनप्रतिनिधि खुद पीड़ित हो गए, अब जनप्रतिनिधि कितना करेगा, लेकिन मैं तो मान के चलता हूँ प्रशासनिक व्यवस्था थाना आपका जनप्रतिनिधि तो खुद भी भीड़ करने में लगे हुए हैं, वो तो अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ करने में नजर आते रहते हैं। देखिए मैं सुरक्षा देंगे, मैं तो सरकार से यही चाहता हूँ, सरकार से, मैंने तो मुख्यमंत्री जी को खुद को पर्सनल रूप से जब बात हुई थी मैंने उनको कहा कि आपकी इच्छा शक्ति है लेकिन इच्छा शक्ति नीचे धरातल पे कैसे जाए, इसकी व्यवस्था और निगरानी आपको पूरी तरह से करनी पड़ेगी। आप जो सचिव हैं उनको बाकायदा हॉस्पिटल में जाके निरीक्षण करना पड़ेगा, कलेक्टर्स को तय करना पड़ेगा किस प्रकार से हॉस्पिटल में व्यवस्था है, किस प्रकार से नहीं है, आपको एसडीओ को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, नहीं तो इतना चौपट होने वाला है। देखिएगा 11 जिलों में आपने 144 धारा फिर लगा दी, आप अभी भी शनिवार इतवार को नहीं कर पा रहे लॉकडाउन, आपको व्यवस्थाओं के साथ धारा लगा तो दिए लेकिन उसकी पालना खुद भी सरकार नहीं कर पा रही है, चाहे सरकार की चाहे पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, ये लगातार सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर, हजारों लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि एक तरफ सरकार 144 धारा लगा रही है। देखिए आज खुद कांग्रेस किसानों के तीनों बिल को लेकर के कह रहे थे पहले से प्रदर्शन करेंगे लेकिन कह रहे हैं कलेक्टर्स को हम देके आएंगे ज्ञापन, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो स्थिति ये है बनी हुई है उसको भगवान और चरम सीमा पर नहीं पहुंचे, इसको रोकने के लिए अगर आपने साधन और नियंत्रण नहीं रखा तो आने वाले समय में राजस्थान की स्थिति जिन जिलों में इसको फैल रहा है उसको रोकने की जरूरत है, नहीं तो भयावह स्थिति हो जाएगी और मृत्यु दर तेजी से बढ़ेगी, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी इसका, क्योंकि आपको हमको सबको ख्याल रखना है। प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकार केवल आंकड़ों पर विश्वास कर रही है, वो आंकड़े आंकड़ों का खेल खेल रही है और कुछ नहीं कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरे जीवन काल में अखबार में तीन पन्ने अखबार के शोक संदेश से भर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आम आदमी की कितनी जिम्मेदारी है,
आप सब कुछ सरकार के बारे में, ठीक है सरकार की, सरकार बहुत कमी है, सरकार पूछ नहीं रही है, सरकार आंकड़ों का खेल खेल रही है, लेकिन आम आदमी जो मीडिया को रोज देखता है, टेलीविजन को रोज देखता है, समाचार रोज देखता है, समाचार रोज पढ़ता है, उनकी क्या जिम्मेदारी है? उसमें शिक्षित लोग भी, वो आप नोटिस करिएगा, बाजार जब आप निकलते हैं, कहीं जाते हैं आप, तो सबसे ज्यादा जो गलतियां हैं वो शिक्षित लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा कमी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो खेल चल रहा है, अब जनता को ये समझाना पड़ेगा कि भाई अगर आपको, आप नहीं बचोगे तो आप भी किसी ना किसी अखबार की एक कॉलम में आ जाओगे, और सारे लोग अखबार में विज्ञापन भी नहीं दे सकते, शोक संदेश भी नहीं दे, नहीं दे सकते, तो न जाने की लगातार मृत्यु हो रही है, ये आप और हम देखें सकते हैं। लेकिन इस बात से अंदाजा लगाइए कि 3-3 पेज शोक संदेश आ रहे हैं, तो कितनी भयावह बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अनिता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि डॉक्टरों, डॉक्टरी जो व्यवसाय होता है, जो काम होता है, वो एक समाज सेवा के रूप में देखा जाता है, और जब कोई भी चिकित्सक बनता है, डॉक्टर बनता है, तो वो एक शपथ लेता है कि वो समाज की सेवा करेगा। लेकिन इस महामारी के दौर पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं, कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं, जो इसको भरपूर व्यवसाय का नाम देकर और पैसे ऐंठ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उन डॉक्टरों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद हॉस्पिटल भी चलाते हैं, आप खुद समाज सेविका भी हैं, और पूरा परिवार जो है आपका समाज सेवा में लगा हुआ है, तो आप उन डॉक्टरों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने उस चिकित्सक की शपथ ली थी और समाज सेवा की जो शपथ ली थी उसके बारे में, क्या अब वो ये नहीं सोच रहे? देखिए, ये किसी एक प्रोफेशन को हम ऐसे टैग नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति की अपनी एक मानसिकता होती है। अगर हम डॉक्टर प्रोफेशन के बारे में बात करें, तो अभी आप खुद ही अगर जयपुर में, आपको पता होगा, तो पिछले दिनों में एक बहुत बड़े सर्जन है, उनकी डेथ हुई। कारण ये था कि उन्होंने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मदद करी थी, वो मर रहा था इसलिए उन्होंने ऑपरेशन किया, पर उसकी वजह से उनको कोरोना हुआ, वो उनकी जान चली गई। ही वॉज वेरी वेल नोन सर्जन। तो ऐसे हमारे समाज में उदाहरण है जो समाज के लिए करते हैं, मानते हैं, इसलिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। और अगर आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, तो मैं ये मान सकती हूँ 1-2% या 0.5% लोगों की मानसिकता ऐसी होगी कि वो इस समय इस तरीके से देख रहे हैं या इस तरीके से व्यवसाय के रूप में सोच रहे हैं। दूसरा, अगर आपने बताया है कि सरकार ने एक लिमिट करी है, तो टेस्ट की लिमिट करी है, तो टेस्ट किट की वैल्यू इतनी है 1200 रुपए, पर उस प्राइवेट लैब को अपना बाकी का, जैसे अगर उनके जो टेक्नीशियंस है उनको भी देना होगा, जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको भी पेमेंट करना होगा, तो मेरे ख्याल से उसको बनाकर शायद कुछ एक मिनिमम वैल्यू उन्होंने करी होगी, वॉट एवर। पर अभी हम बात करें तो जो भी डॉक्टर्स या जो भी व्यक्ति अभी इस समय सिर्फ स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, या फिर महामारी के उनके खर्चे हैं, जो आप सैलरी की बात करें, जो स्टाफ की बात करें, वो तो जीवन भर से ले ही रहे हैं ना, उसमें तो कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन जब पहली बार इस तरह की महामारी आई है, करीब 100-200 सालों में कभी कभार इस तरह की महामारी आती है, तो उस समय तो कम से कम उनको मानवीयता रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई लैब इस तरीके से कर रहा है, तो उसको बिल्कुल इस बारे में सोचना चाहिए, मानवीय लेवल पे सोचना चाहिए, मानवता के बारे में सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से काफी लोग इस बारे में सोच भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, मिनिमम लेवल पे काम भी कर रहे हैं। पर जो भी, अगर चाहे डॉक्टर है या चाहे और प्रोफेशन है, अगर इस कोरोना महामारी को लेकर वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं या फिर व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं कि हम इसको अपना व्यवसाय बना ले या किस तरीके से पैसे बना ले, तो वो चीज गलत है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे किसी और प्रोफेशन का हो, चाहे कोई भी हो। अभी हमें सबको साथ मिलकर समाज में आगे आना चाहिए और इस बीमारी से साथ लड़ना चाहिए। बिल्कुल। अनिता जी, आपके लिए हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने सवाल हमें भेजा है कि मैं डॉक्टर अनिता गौतम जी से सवाल करूं। हमारे एक दर्शक हैं, उनका एक सवाल है आपसे। सुनील कुमार जी हैं शर्मा जी, जो कि दिल्ली से हमें लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अनिता जी से मेरा सवाल है कि जब कोरोना की दवा नहीं आई है, कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, तो डॉक्टर किस तरह की दवा दे रहे हैं, और उसमें लाखों रुपए का बिल जो है वो भी ले रहे हैं। तो आप बताएं कि हम, अगर मान लीजिए हमको या किसी परिवार के लोगों को अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, तो हमें क्या टैबलेट लेनी चाहिए? देखिए, ऐसा मैं अभी इस पे नहीं बता सकती कि क्या पर्टिकुलर टैबलेट है इसकी। कोरोना वैक्सीन, कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं है, पर कोरोना की वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी सांस की जो नली होती है उसके ऊपर म्यूकस प्लग जमा हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है।
तो जो इलाज है वो सिम्टोमेटिक है, मतलब उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, इस तरीके से दवाई दी जाती है ताकि जो उनकी सांस की नली है वो फैल सके, ज्यादा हवा अंदर जा सके और जो म्यूकस प्लग है वो हट सके। इस तरीके से हम सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। मरीज के ऊपर निर्भर करता है कि उस समय उनको क्या दवाई दी जाएगी। कई बार इलाज का खर्चा इतना इसलिए आ जाता है क्योंकि व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखा जाता है और आईसीयू में रखा जाता है, जिसकी काफी सारी मशीनें या फिर जो भी चीजें आती है उसका खर्चा इनपुट काफी ज्यादा होता है। इस वजह से कई बार कई कई मरीजों का इलाज बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। जो लोग घर पर क्वारंटाइन हो रहे हैं, जिनको सिर्फ मेडिसिन दी जा रही है, उनका ऑब्वियसली रिलेटिवली खर्चा इतना इनका नहीं सवाल यही है कि वो किस तरह की मेडिसिन लें? अगर मान लीजिए किसके घर नहीं ऑन द नहीं इस तरीके से नहीं होगा कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव आ जाए और ऑन द एयर वो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर वहां पे दिखा दे और उनको मेडिसिन मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। उनको बकायदा डॉक्टर से जांच करानी पड़ेगी, वहां पे वो प्रिस्क्रिप्शन देंगे, वो दवाई देंगे। सिम्प्टोमेटिक इलाज होता है जिसके अंदर ब्रोंको डायलेटर्स उनको दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती है। इसमें एक सवाल और है कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है तो क्या ये दोबारा भी हो सकता है या दोबारा नहीं होगा, ये भी एक सवाल नहीं है। बिल्कुल अभी है ना, काफी सारे केसेस आए हैं कि जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है उनके दोबारा होने के चांसेस है, क्योंकि ये सिर्फ इन्फेक्शन है, इसीलिए इसका वैक्सीन बनने में भी टाइम लग रहा है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो जब वो दोबारा इन्फेक्शन आता है तो एंटीबॉडीज उससे लड़ती है और वो इन्फेक्शन नहीं होता। पर अभी कई सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जिन व्यक्ति की इम्यूनिटी कम है उनमें अगर वो दोबारा संपर्क में आते हैं तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। इसीलिए इट्स अ इन्फेक्शन जो वापस हो सकता है, लोगों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे एक बार हो चुका है उसके बाद भी अभी वो लेवल नहीं आया, हर्ड इम्यूनिटी का लेवल नहीं आया है समाज में कि जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ना हो, इन्फेक्शन के चांसेस अभी बने रहते हैं। बिल्कुल श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सरकार जिस तरह के बड़े बड़े दावे करती है, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को पहले खुद को वो सारे नियम अपनाने चाहिए? क्योंकि बहुत सी बार देखते हैं जो मंत्री हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो खुद ही मास्क नहीं पहनते, और अगर मास्क पहनते हैं सार्वजनिक स्थलों पे तो अपनी ठुड्डी पे मास्क लगा के रखते हैं, ना हाथ में मास्क पहनते हैं और ना ही किसी तरह कोई ग्लव्स पहनते हैं और ना ही वो सैनिटाइज कर रहे हैं, लगातार 3-4 घंटे तक लोगों के बीच में बने रहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को पहले दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, यानी कि खुद जो नियम बनाए पहले उनको खुद को इन नियमों की पालना करनी चाहिए? श्याम जी, फिर मैं प्रदीप जी आपके पास आता हूं। देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से आप कहिए, प्रताप सिंह खाचरियावास खुद कह रहे हैं कि मेरी लापरवाही से हुआ, सतीश कुल खुद कह रहे हैं कि मेरी लापरवाही से हुआ, आपके अशोक लाहोटी कह रहे हैं मैं अपनी लापरवाही, सवाल यही है कि उन्होंने प्रिकॉशन नहीं लिया, उन्होंने खुद ने, अब वो कह रहे हैं कि अब देखिए अब शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं कि हमारी लापरवाही ने हमको जीवन में वो सिखाया जो हम अब नहीं भूलेंगे। तो ये न जाने उनके साथ जो लोग संपर्क में थे उनमें से भी कितने लोगों को ये परेशानी हो चुकी है। छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा था, नहीं एक डॉक्टर साहब मैं बता, हम सुबह सुबह गरारे करें उसके बाद अपने ऑक्सीजन, अगर भाप ले, अगर यही 5 बार दिन में करते रहें तो निश्चित रूप से आपको आधे से ज्यादा बीमारी पर सहारा मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा दवाइयां बहुत कम है, कोई ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन आपको अभी मैंने एंटीबॉडी टेस्ट कराया। लेकिन आधा श्याम जी तनाव तो लोगों में इसी बात का है कि अगर उनको कोरोना हो गया तो हजारों लाखों रुपए का खर्चा कहां से लाएंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है। देखिए दीपक जी मैं बता रहा, ऑक्सीजन लेवल अगर डाउन चला जाता है तो उसकी जिंदगी संकट में पड़ सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि अदर बीमारी होती है, लीवर की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, डायबिटीज हो, उन मरीजों के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट का कारण बन सकता है कोरोना। अगर साधारण व्यक्ति है और युवा है तो उसको झेल पाने में बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं थी, बहुत दवाइयां महंगी नहीं है, आपको एंटीबायोटिक मिल जाएगी आपको, और अगर डॉक्टर्स की सलाह निश्चित रूप से लेनी चाहिए उनके अनुरूप। देखिए आपने देखिए कि आपके 3-4 तरह की आपको प्रोटीन वगैरह की चीजें लेनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दवाइयां मेरे को नहीं लगी महंगी होगी, लेकिन आपको जिस प्रकार का वातावरण घर में विकसित करना पड़ेगा, आपको गरारे करने पड़ेंगे नमक के, 5-6 बार 7 बार करिएगा निश्चित रूप से, और बाप लीजिएगा, आप विक्स के कैप्सूल डाल के बाप लेते रहेंगे 5-6 बार, तो आपको निश्चित रूप से खांसी जो थोड़ी बहुत रहती है बाद तक, बाद में भी आपको ये नहीं कि कमजोरी आ जाएगी इससे, आपको आपको उसके अंदर फल भी खाने पड़ेंगे, फल भी कौन से खाने पड़ेंगे, केला नहीं खाना पड़ेगा क्योंकि कब्जी बनाएगा और
कब पैदा करेगा, आपको एप्पल लेनी पड़ेगी, आपको पपीता लेना पड़ेगा, बहुत नॉर्मलाइज तरीके से जीवन जीने की स्थिति बननी पड़ेगी। तो आप इसको झेल पाने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप डरने के बजाय इसका प्रकोशन लेकर के अपने आप को भी बचाओ और दूसरों को भी बचाने का प्रयास कीजिए। डरने की जगह इससे लड़ने की आवश्यकता है, डरे नहीं, इससे लड़े हम। प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा था दीपक जी कि 14 दिन कंप्लीट होने के बाद में मैंने अपना जांच कराई, जो कि मैंने एक निजी लैब में कराई और एक मैंने सरकारी में, सेम आधा घंटे के अंतराल में मैंने दोनों जांच कराई, जिसके रिपोर्ट मुझे आज सुबह मिली है। जी मैंने जब जो निजी उसमें जांच कराई वो मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और जो मैंने CMHO में कराई वो मेरे को रिपोर्ट निगेटिव आई है। आप इसको क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा हूँ। जी अनिता जी आप बताइए, प्रदीप जी का एक कहना है कि अगर एक दो लैब से उन्होंने करवाया था, एक में नेगेटिव आया है एक में पॉजिटिव आया, तो ये किसकी माने? देखिए ऐसा है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव आने के बाद भी नेगेटिव आ जाता है, कि जो सैंपल आपने दिया है उसके अंदर वो वायरस का कितना उसके अंदर कंटेंट है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, या वहां पे कई बार कुछ कंटेमिनेशन तो नहीं हो गया है, तो ये काफी सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हम 3 बार इसकी कोविड टेस्ट की जांच करवाते हैं ताकि वो नेगेटिव रहे, उसके बाद हम कहते हैं कि मरीज कोविड। अनिता जी, अनिता जी मेरे एक सवाल यहाँ पे छोटा सा है कि आम जनता है उनको एक बार टेस्ट कराने में भी पसीने आ रहे हैं, तो 3 बार वो कैसे करवा पाए? तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पे कुछ निर्णय लेना। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि सरकार को इसमें लेना चाहिए, सरकार टेस्ट करवा भी रही है और उसके लेवल मतलब सरकार का टेस्ट का जो वो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ानी चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर ये इसका एक पर्टिकुलर रीजन कि एक लैब में पॉजिटिव आ रहा है एक लैब में नेगेटिव आ रहा है, इसका एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण की वजह से ऐसा हो सकता है, इट कुड बी अ चांस, पर ये जो चांसेस है वो बहुत कम है कि एक जगह पॉजिटिव आ रहा है एक जगह नेगेटिव आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर बार हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, हो सकता है कि 100 लोगों में से एक का ऐसा आ रहा है कि एक में पॉजिटिव आ गया एक में नेगेटिव आ गया, उसका कारण मैं बता रही हूँ, इट कुड बी कंटेमिनेशन, जो सैंपल उन्होंने दिया है वो सैंपल सही नहीं हो सकता है, या वहां पे जो जांच का तरीका है वो सही नहीं हो सकता, ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि जो उनका टेस्ट है कहीं पॉजिटिव आया कहीं नेगेटिव आया, पर ऐसा होना इसके चांसेस कम है। जी सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ तो हुआ, पार्लियामेंट में जांच हुई तो वहां एक बार पॉजिटिव दिया नेगेटिव दिया और उन्होंने तो क्वेश्चन भी लगाया सारी बात की, फिर उसके बाद मतलब निश्चित रूप से आप मान के चलेगा प्राइवेट लैब में पैसा कमाने के लिए पॉजिटिव भी कर देते हैं, सरकारी लैब में तो पैसा नहीं मिलता है, इसलिए इसलिए बहुत सारी चांसेस बनता है। तो इसलिए एंटीबॉडी देखिएगा आप एंटीबॉडी डॉक्टर साहब एंटीबॉडी मैंने तो पूरे परिवार का एंटीबॉडी टेस्ट कराया, एंटीबॉडी में हम पॉजिटिव आए तो बल खत्म ही हो गया। ये सस्ता भी है, महंगा नहीं एंटीबॉडी टेस्ट, आप उसके बाद 15 दिन 16 दिन बाद उसके बहुत जल्दबाजी में नहीं कराएंगे क्योंकि उसमें भी लेवल कम हो जाता है, जैसे मिसेज का ज्यादा है या बच्चे का ज्यादा है मेरा कम है, लेकिन हम एंटीबॉडी करा पाए और बहुत महंगा नहीं है, घर पे करा लिया आराम से। तो बाकी के जांच मैंने तो बहुत सारी जांचें कराई, आपके पास मेरे पास रिपोर्ट पड़ी हुई है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ जांचों से आपको जो आप इलाज में मदद मिलती है, मैंने डॉक्टर सरकार साहब हैं उनसे भी कंसल्ट किया, डॉक्टर भंडारी से भी किया, मेरे से जो डॉक्टर बहुत सारे थे डॉक्टर सनकुआर जी से भी पूछ लिया कई बार, तो हम तो जानकार होने के बाद आपने श्याम जी अनेक लोगों से क्योंकि आपका परिचय है आप लगातार उनके साथ उठते बैठते हैं, लेकिन मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ना सरकार ने मदद की ना आपको किसी सरकारी, देखिए हमारे 3 बार जांचें करी और तीनों बार सरकारी जांच हुई घर पे जांच हुई, नहीं बिल्कुल ये आपकी हुई है, लेकिन जैसा कि प्रदीप जी बता रहे हैं और CMHO भी लगातार हमको कंसल्ट करता रहा था, हमारा CMHO तो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया जो सेकंड था। श्याम जी उनको ये भी मालूम है कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसका भी एक आपको सपोर्ट मिला, लेकिन सामान्य व्यक्ति कहां जाए? प्रदीप जी वो तो मैं कह रहा हूँ गरीब के लिए, कह रहा हूँ गरीब के लिए बहुत व्यवस्था होनी चाहिए। दीपक जी प्रदीप जी मैं श्याम जी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि दवाएं बहुत सस्ती है, ठीक है, अब दवाएं सस्ती क्या है, सबसे पहले सरकारी दवा तो ही मिलती है आपको हाइड्रोक्लोरोक्विन, वो सबसे पहले HQ आपको देते हैं, ठीक है, इसके अलावा लिम्सी दे देंगे आपको जो कि एक विटामिन सी की टेबलेट है, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपको गले में खराश या कुछ है तो उसके लिए एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन दे देते हैं आप, या एक खून को पतला करने के लिए या इनको पतला करने के लिए दवा दे देते हैं,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी अभी दीपक जी ने कहा कि जो आम आदमी है, आप तो आपकी तो बड़ी अच्छी जान पहचान इस सरकार में और जो जिस भी उसमें प्रशासन में है आपकी बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। पहचान है, लेकिन मैं इस चीज को मैंने फेस किया है। मैंने कहा कि भाई मैं एक मीडिया फैमिली से हूं, तो तुमने मेरे यहाँ पोस्टर लगाया और मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि जो आदमी आता है पोस्टर देख के घर से दूरी बनाता है, वो उसकी सावधानी के लिए है। लेकिन वो एक आम आदमी क्या करे, मेरे पड़ोस में 3 जगह आया वहां नहीं लगाया, तो मैं ये उससे खुश नहीं हूँ कि उनके यहाँ नहीं लगाया या क्या हुआ, उनके यहाँ लगना चाहिए था अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस जब ही आएगी, अदरवाइज कोई भी आदमी आएगा वो सीधा उसके अंदर एंटर करेगा तो वो अफेक्टेड हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि डॉक्टर्स, आप जो कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाइए जांच कराइए, डॉक्टर आसानी से देखे, कोई डॉक्टर आसानी से नहीं देख रहा, सब सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से ही देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे आपको प्रिस्क्रिप्शन भेज देंगे और कोई वो आला लगा के या स्टेथोस्कोप लगा के कोई जांच नहीं कर रहा है। मेरा एक सवाल अनीता जी, अभी मेरे दिमाग में आया है कि अनीता जी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि बिना जांच के बिना टेस्ट किए किसी भी मरीज को दवा नहीं दे सकते कोविड की। एक तरफ प्रदीप जी अनीता जी कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप पर ही बातचीत करके और उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, तो ये डबल चीज हो रही है। एक तरफ आपका कहना है कि जब तक पूरा टेस्ट नहीं करेंगे तब तक मेडिसिन नहीं दे सकते। दीपक जी, दो अलग अलग चीजें हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। कोविड जो है एक इंफेक्शियस डिजीज है जिसके लक्षण बिल्कुल जुखाम बुखार जैसे लगते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर्स देख रहे हैं वो भी उस इंफेक्शन से उतने ही वल्नरेबल है, उनको इंफेक्शन होने के चांसेस भी उतने ही हैं, और काफी जगह जहाँ पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और उस इंफेक्शन में रहकर ही काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली एक्सपोज भी हो रहे हैं। अगर आप एक बार किसी के संपर्क में आते हैं आपका एक्सपोजर टाइम कम होता है, बाकी डॉक्टर्स का कंटिन्यूअस एक्सपोजर रहता है उस इंफेक्शन से। कुछ डॉक्टर्स अगर टेली कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो उस केसेस में कर रहे हैं जिनको आने की जरूरत नहीं है। सपोज कोई मरीज कहता है कि मुझे ये लक्षण है, उसको देखकर कहते हैं कि आप ये मेडिसिन ले लो, इट्स ओके, तो वो वापस हॉस्पिटल में भी नहीं आएंगे ताकि वो मरीज उस इंफेक्शन से एक्सपोज ना हो और ट्रैफिक कम रहेंगे, बाकी मरीज भी दूर रहेंगे। दूसरा, कोविड का सबसे बड़ा जो हम सिम्टम्स बताते हैं कि उनको सूंघने में दिक्कत आती है या टेस्ट करने में दिक्कत आती है, जुखाम काफी ज्यादा हो जाता है, सर बुखार भी रहता है, और उसके अलावा सांस लेने में तकलीफ आती है। अब सांस लेने में तकलीफ अस्थमा वाले पेशेंट्स को भी आती है, किसी को बहुत ज्यादा घबराहट आती है, उसको कार्डियक वाली भी होती है, तो काफी सारे जो सिम्टम्स होता है लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो सिम्टम्स कोविड के हैं या नहीं है, तो कई बार पैनिक भी बहुत ज्यादा हो जाता है कि हमें कोविड तो नहीं हो गया, और बार बार वो उस चीज के लिए बार बार जांच कराने के लिए कहते हैं कि हमारी तो जांच करा लो। मैं ये मानसिकता की बात कर रही हूँ क्योंकि काफी सारे मरीज हमारे पास इस वक्त ऐसे आते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोविड उनको नहीं हुआ है, पर जो कई बार ऐसा होता है कि कोविड ना होने के बाद भी उनके अंदर डर पैनिक घबराहट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो उनको लगता है कि हमें तो कोविड हो गया और हमारी वजह से घर वालों को हो गया, तो हमें इस चीज के अंदर एक बैलेंस रखना पड़ेगा, एक हमारी समझ काम में लेनी पड़ेगी कि कोविड पेशेंट के सिम्टम्स को भी हम नजरअंदाज ना करें, हम बार बार उस चीज के लिए भी परेशान ना हो, पैनिक भी ना करें। अगर हमें वाकई में लग रहा है कि हमारे सिम्टम्स हैं तो हमें एक डॉक्टर से उसकी सलाह लेनी ही पड़ेगी। अगर आपका पहले टेली कम्युनिकेशन होता है तो इट्स ओके, एक बार आप बात करें, पर अगर आपको लग रहा है कि एक दिन में हमारे सिम्टम्स नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं तो आप दोबारा बात कर सकते हैं, आप फिजिकल वहाँ हॉस्पिटल में जाके भी चेक करा सकते हैं, इसमें कोई आपको मना नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल्स में चेकअप हो रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है, आप आइए चेक करिए, कहीं कोई मनाही नहीं है। टेली कम्युनिकेशन या टेली कंसल्टेशन उन लोगों के लिए है ताकि हम अनावश्यक रूप से भीड़ हॉस्पिटल्स में ना करें, वो उनके लिए भी फायदा है। हाँ, आपने और जो लोग सभी लोगों ने जानकारी दी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए धन्यवाद। और चलते चलते, क्योंकि समय की भी सीमा है, हमें उसका भी ख्याल रखना है, चलते चलते मैं आप सबके फाइनल व्यूज लेना चाहूंगा। सबसे पहले प्रदीप जी, आप अपने फाइनल व्यूज में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इस समय इस कोविड 19 से जूझ रहे हैं। दीपक जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो बात कर रहे हैं कि आम आदमी की बात कर रहे हैं, आम आदमी की पहुंच में अभी तक वो सब चीजें नहीं है जो उसको मिलनी चाहिए या सरकार को उनको देनी चाहिए। जो बात अभी श्याम जी ने कही थी कि दवाएं बहुत सस्ती हैं, तो मैं खुद दवाएं ले रहा हूं
लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो दवाएं जो है वो बहुत महंगी दवा मिल रही है, और वो दवा का जैसा डॉक्टर साहब अनीता जी ने कहा कि वैक्सीन नहीं है या वो दवाएं केवल बैक्टीरिया के लिए है या जो सिम्टोमेटिक है, तो मैं जैसे फेविप्लू नाम की दवा ले रहा हूँ जो कि बहुत महंगी दवा है जी, ठीक है। तो मेरा मानना यह कि सरकार को इस पर भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि सिम्टोमेटिक मेडिसिन जो भी दे रहे हैं उनकी कीमत कम हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो चीज मिल सके और वो इसका लाभ उठा सके। बिल्कुल श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को और आम लोगों को, क्योंकि आप खुद ये कोरोना से युद्ध जो है वो जीत कर आए। देखिए दीपक जी, मैं तो सरकार से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी गरीब के लिए और मध्यम वर्ग परिवार के लिए दवाइयों की व्यवस्था करें, और किसी प्रकार से कोई पूरा परिवार हो जाता है तो उसकी रखवाली के लिए कोई ना कोई सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। कलेक्टर्स के पास होना चाहिए कि इतने मेरे जिले में इतने परिवार कोरोना पॉजिटिव हैं, तो वो किस तरह से निगरानी करे, उसके पास प्रशासनिक व्यवस्थाएं अच्छी होती है। दवाइयां निश्चित रूप से निःशुल्क मिल सकती है, हम मान के चलते हैं अपनी क्वालिटी, अलग अलग तरह की क्वालिटी मिलती है। अगर आप गरीब को तो अगर वो नीचे वाली स्तर की भी क्वालिटी की दवाई मिल जाएगी तो उसको वो, लेकिन उसको खाने की व्यवस्था कैसे होगी, उसको मजदूरी कर नहीं सकता परिवार, उस परिवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार निगरानी रखे और उसकी मदद करे। गरीब भी इससे पीड़ित हो रहा है और गरीब उसको निकलने के लिए रास्ता भी नहीं मिल पाता, तो इसलिए सरकार को तो उस लेवल के तो आपको कलेक्टर्स को निर्देश देने पड़ेंगे, एसडीओ को निर्देश देने पड़ेंगे, थानों को निर्देश देने पड़ेंगे कि उसके क्षेत्र में कितने कोरोना पॉजिटिव लोग हैं और उसकी मदद कैसे हो रही है, उसकी एक रिपोर्ट ही तो लेनी है सरकार को। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, लेते रहेंगे तो निश्चित रूप से तो कोई ना कोई व्यवस्था बैठेगी। 100 मीटर 1500 रुपए का आता है, गरीब नहीं ले सकता, लेकिन दिल्ली सरकार दे रही है सबको। अब उससे ऑक्सीजन लेवल नाप लेगा, वो थर्मामीटर है, बुखार नाप लेगा, ये 3-4 चीजें तो है जो कि इसके अंदर कोरोना से लक्षण दिखाती है, और उसकी दवाई ले लोगे समय पर रहते हुए। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, गरारे करना, बाफ लेना, ये सबसे बड़ी इसमें बहुत सुविधा देती है और जल्दी आपको ठीक करने में मदद करती है। बिल्कुल, हम क्योंकि बचाव करती हुए और आज हम हुए और आज भी गरारे, और मैं बाफ लेता हूँ, 3 बार ले रहा हूँ आज भी ठीक होने के बाद भी, और बहुत ज्यादा मैं संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ, सुबह शाम घर में घूमता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सारी बातें करता हूँ, और क्योंकि सिस्टम इतना डेवलप हो गया है, आप जैसे मेरे को मोबाइल के माध्यम से जोड़ रहे हो, लोगों तक पहुंच रही है सुविधाएं, और अपन तो 4-5 महीने से ये सब चीज कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार हम कर रहे हैं जागरूकता। आपको आपको अपना खुद का भी बचाव करना है, उस लोगों का बचाव जब भी होगा, जब अपना बचाव करोगे तो लोगों तक पहुंचोगे नहीं आप, तो उससे निश्चित घबराने की जरूरत नहीं है, कोई को भी कोविड हो सकता है, और उसको हिम्मत रख करके दवाइयों के साथ रहेंगे, निश्चित रूप से जिसकी अन्य बीमारियां हैं, जिसके देखिएगा शुगर है, डायबिटीज तो है, उसके बाद आपका हार्ट की बीमारी है या लीवर की बीमारी है, तो निश्चित रूप से उसको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन में रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल देखना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि चार्ट बना लेंगे 3-3 घंटे का लेते रहेंगे और डॉक्टर्स को भेज दीजिएगा, आपके पास आराम से सुविधा पूर्ण बिल्कुल आप ठीक होने की स्थिति में हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप आम जनता को, सरकार को और विशेष रूप से आपके जो साथी डॉक्टर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अनीता जी आपकी आवाज म्यूट हो रही है, आ नहीं रही हम तक, तो आप एक बार देखें आपकी आवाज म्यूट है। अब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बताइए। ठीक है, इस जैसे मैंने अभी कहा कि कोरोना को हमें हर लेवल पे लड़ना पड़ेगा। अगर हम सरकार की बात करें तो जैसा कि इसी अभी हमें पूरे डिस्कशन में देखा है कि उसकी मॉनिटरिंग थोड़ी और सख्त होनी चाहिए, थोड़ी और क्रिस्प होनी चाहिए, ताकि अगर परिवार में अगर हमें कहीं दिख रहा है कि परिवार के सारे सदस्य कोरोना पॉजिटिव है तो किस तरीके से उसकी मदद करे, सरकार की तरफ से क्या क्या हम सुविधाएं पहुंचा सकते, वो एक बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता या उस घर में कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता। दूसरा, अगर हम बात करें व्यक्ति की, मैं इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर मतलब उन सभी से विनती करते हैं, अपील करते हैं कि सबसे जरूरी है सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई जरिया नहीं है इस कोरोना से लड़ने का। मास्क नाक और मुंह दोनों ढका हुआ होना चाहिए, नाक बाहर रहे मुंह ढका रहे ऐसा नहीं, नाक और मुंह दोनों ढका होना चाहिए, हाथ बार बार धोए, और एक बहुत जो नशा हमारे समाज में फैला हुआ है, गुटखा तंबाकू शराब,
आप देखिए कि ये बीमारी क्या होती है कि जिसके अंदर सांस की नली के अंदर म्यूकस जमा हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू या गुटखा खाते हैं उनके तो ऑलरेडी सांस की नली में म्यूकस होता है, तो उनका तो हल्का सा इन्फेक्शन ही उनके लिए कितना घातक होता है। तो कम से कम आप गुटखा तंबाकू शराब स्मोकिंग इनका परहेज रखें, इनको ना ले, बंद कर दे, इससे आपका जीवन बच सकता है, क्योंकि इनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। समाज के लेवल पे हम कर सकते हैं कि इट इज नॉट अ टैबू, स्टिग्मा ना बनाए, उनसे फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें पर इमोशनल डिस्टेंसिंग ना रखें। फोन के जरिए आप उनके कांटेक्ट में रहें, बात करें, कंटिन्यूसली उनको सपोर्ट देते रहें। फोन एक बहुत अच्छा जरिया है, सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने के लिए से नहीं है, वेब सीरीज देखने के लिए नहीं है, ये आपको अपने प्रियजन से कनेक्ट रखता है। आप उसका उपयोग उसको कनेक्शन के लिए रखें ताकि आप उनके संपर्क में बने रहें। डॉक्टर्स अभी भी एक फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमेशा, और उनके लिए तो यही है कि ना चाहे किसी भी वर्ग का है, चाहे डॉक्टर्स हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन को हो, ये अभी हमें समाज के हिसाब से समाज के हित में काम करना होगा। स्वयं का हित बाद में रखते हैं, समाज का हित हमें आगे रखना पड़ेगा, और साथ मिलकर ही हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। निश्चित रूप से हमें इस लड़ाई से जीतना है, इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है, और आपको और हमको खुद को जागरूक होना है। सरकार अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रही है, उसकी मॉनिटरिंग कैसी है कैसी नहीं है ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है, आपको और हमको भी सरकार को मदद करनी होगी। सिर्फ डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पत्रकार कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दूसरे जो वॉरियर्स हैं वो कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको और हमको ही इसका पूरी तरह से बचाव करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस महामारी से जी सकते हैं, इस बीमारी से जी सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो भी जानकारियां मिलती हैं या आपकी भी कोई जानकारी हो तो आप हमें हमारे फेसबुक के माध्यम से, हमारे यूट्यूब के माध्यम से, हमारे पेज के माध्यम से हमको सूचित कर सकते हैं। हम आपकी बात को जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अनिता जी आपका, श्याम सुंदर शर्मा जी आपका, और प्रदीप गौड़ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को लाभ मिला होगा, फायदा होगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।